सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो स्क्रैच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक फ्रेश टेक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं LG V40 Thin Q के बारे में। तो ये फोन बहुत ही नया है, बेहतरीन है और सारी जात ही अभी रूमर्स में चल रहा है, लेकिन इसकी जो डिटेल्स आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. दोस्तों हर बार की तरह शुरुआत करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो होने वाला एक 4G फोन जिसका नाम सिम डाल सकते हो GSM HSPA LTE, तो ये एक अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं इसकी बिल्ड की तरफ, जो कि होने वाला है फ्रंट एंड बैक ग्लास, वो भी ऐसा वैसा नहीं, कोरिना गोरिल्ला ग्लास 5। देन अगर इसकी फ्रेम की बात करूँ जो मतलब चारों तरफ होने वाला है वो होगा एल्यूमिनियम का, और ये होने वाला एक सिंगल सिम फोन वो भी नैनो सिम वाला। देन आगे बात करते हैं इसकी IP68 के बारे में, जो कि है डस्ट एंड वाटर प्रूफ अप टू 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स। तो ये एक अच्छी बात है भाई कि आप पानी में यूज कर सकते हो इसे, कहीं पे मिट्टी वाला इलाका यानी कि काफी सारी डस्ट है वहां पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि ये वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। तो आगे बात कर लेते हैं भाई इसकी डिस्प्ले की। तो इसकी डिस्प्ले होने वाली है POLED कैपेबिलिटी टच स्क्रीन 6 nm कलर के साथ, और साथ ही साथ साइज की बात करें तो होगा 6.5 इंचेस का, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलो तो 109.0 cm². ये एक काफी बेहतरीन बात थी। खैर आगे बढ़ते हैं इस रेजोल्यूशन की तरफ। तो रेजोल्यूशन होने वाला है 1440x3120 pixels। अब मैं कहूँ तो ये 3K होने वाला है। खैर 3K बहुत अलग सा लगता है सुनने में, लेकिन ये एक तरीके से साफ मायने में 3K ही है। देन बात कर लेते हैं इसकी गार्ड के बारे में। तो इसमें होने वाला है कोरिना गोरिल्ला ग्लास, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और इसमें आपको एक खास चीज़ मिलती है वो है डॉल्बी विजन विद HDR10। तो ये एक अच्छी बात है, और इसमें आपको मिल जाएगा LG UX7 Plus। अब ये चीज क्या है ये मैं बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसके प्लेटफॉर्म की तरफ। तो इसमें आपको OS में मिल जाएगा Android 8.1 Oreo, और जो कि अपग्रेडेबल होगा जब भी लॉन्च होगा एज सुन एज, उसमें आपको अपग्रेडेबल होगा 9.0 यानी कि एंड्रॉइड पाई में। ये तो अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं इसकी चिपसेट की तरफ, जो कि होगा क्वालकॉम SDM845 यानी कि Snapdragon 845। अब बात कर ले भाई इसकी CPU की, तो वो होगा ऑक्टा कोर। देन इसकी GPU की वो होगा Android 630। तो ये एक अच्छी बात है। खैर इसमें अब आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे इंटरनल के मामले में। एक होगा 8GB RAM 256GB इंटरनल, और एक दूसरा होगा 6GB RAM 128GB इंटरनल। तो ये कुछ खास थे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी स्पीड होने वाली है और बहुत स्पेस होगी। फिर भी ये आपको एक कार्ड स्लॉट का ऑप्शन होता है विद डेडिकेटेड स्लॉट, वो है 512GB तक का। तो ये एक अच्छी बात है। खैर बढ़ते हैं इसके मेन कैमरा की तरफ। तो ये भी सैमसंग को कॉपी करने की राह पे निकल चुका है काफ़ी मामलों में, जैसे कि इसमें आपको बैक में मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा। एक होगा 16 MP का जिसका एपर्चर होगा 1.6, और ये होगा PDAF या फिर कहूँ लेजर AF के साथ। देन बात कर ले जाए भाई दूसरे कैमरे की, जो कि होगा 13 MP का जिसमें नो AF लिखा है, जिसका एपर्चर है 1.9। देन बात कर लेते हैं तीसरे कैमरे की, जो कि होगा 8 MP का, और ये होगा 3x ऑप्टिकल जूम यानी कि OIC। अब भाई ये क्या चीज़ है, मैंने जैसे पहले भी कहा मैं बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे इसके फीचर्स की तरफ, जो कि होगा LED फ्लैश, HDR और पेनोरमा। अब रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं, तो भाई इसमें रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो 2160 pixels पे एट द रेट ऑफ 30 FPS, 1080 pixels पे एट द रेट ऑफ 30 या फिर 60 FPS। देन बात कर लेते हैं आप 720p पे जब करोगे तो एट द रेट ऑफ 120 FPS करोगे, और उसके बाद जब मैं ऑडियो की बात करता हूँ तो ये होगा 24 bit या फिर कहो 192 Hz 08 stereo साउंड, आई बिलीव ये लिखा है। देन इसमें आपको मिल जाएगी HDR वीडियो। तो ये थी बहुत ही कमाल की बात, मतलब मैच नहीं कर पा रहा है सैमसंग को, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट दे रहा है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरे की, जो कि होगा 8 MP का जिसका एपर्चर होगा 1.9। बाकी इसकी डिटेल्स हमारे पास सैमसंग की जो सेल्फी कैमरा उसकी नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसकी साउंड की तरफ, तो वो होगा 3.5 mm का जैक, और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिल रहे हैं जैसे 32 bit, जो कि होगा 192 Hz ऑडियो। देन उसके बाद BNO Play सर्टिफाइड, देन 24 bit भी है, और उसमें आपको मिल जाएगा 48,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग, देन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद डेडिकेटेड माइक, देन DTS:X सराउंडेड साउंड। ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जो काफ़ी सारे नए फीचर्स मैं समझता हूँ इन्हें। और उसके बाद आपको ब्लूटूथ में मिल जाएगा 5.0। देन अब बात कर लेते हैं इसकी सेंसर्स की, तो सेंसर्स में आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, रियर माउंटेड, एक्सेलरेट सेंसर, जायरोमीटर, प्रॉक्सिमेट सेंसर, ई कंपस, और साथ ही साथ बैरोमीटर, देन कलर स्पेक्ट्रम,
ये बहुत जरूरी चीज थी आई बिलीव। देन उसके बाद आपको यूएसबी मिल जाएगा 3.1 टाइप सी 1.0 रिवर्सिबल कनेक्टर। उसके बाद ये होने वाला है फास्ट चार्जर जो कि होगा 50% तक चार्ज इन ओनली 36 मिनट। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये है क्विक चार्ज 3.0। देन बैटरी में आपको मिल जाएगा 3300 mAh की बैटरी। कलर वेरियंट आपको दो मिलेंगे जो कि होगा एक न्यू ओरा ब्लैक और एक होगा न्यू प्लेटिनियम ग्रे। एंड एट द लास्ट आपको इसकी प्राइस होगी तकरीबन 800 यूरो में। तो भाई ये बहुत ही सस्ता लगा मुझे 800 यूरो के हिसाब से। इसमें जितने फीचर इन लोगों ने दे दिए हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। अब बस उम्मीद करते हैं फोन कब लॉन्च होता है, देन कब मतलब कब अनाउंस होता है, फिर रिलीज होगा, उसके बाद फिर जाके कहीं जाके इंडिया में आएगा। तो भाई देखते हैं इंडिया में क्या धमाल करता है। आपकी क्या राय है भाई इस बारे में मुझे जरूर बता नीचे दिए गए नहीं ऊपर दिए गए पोल में, और नीचे का आप कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, जो LG फैंस हैं उनके साथ तो करना बनता ही है ना, और जो नहीं है उनके साथ भी करो यार, उन्हें पता तो लगे LG इतनी अच्छी अच्छी चीजें निकाल रहा है। और साथ ही साथ जाने से पहले सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और गुड बाय, टेक केयर, स्टे ऑसम, बी काइंड टू वन अदर।